आप सबका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीवन शक्ति मिशन के। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अभी हाल ही में जीवन शक्ति मिशन प्रारंभ किया है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि जीवन शक्ति मिशन जो है क्या, किन चीज़ों को लेकर राज्य सरकार इस मिशन में, इस नए नियम में आगे बढ़ रही है, इस योजना के माध्यम से किस वर्ग को लाभान्वित करने की सरकार की योजना है, तो इन सब के बारे में समग्र रूप से देखेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य विशेष के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो योजना है हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। तो जीवन शक्ति मिशन को देखना है। सबसे पहली बात जीवन शक्ति मिशन की ये है कि सबसे इसमें जो ज़रूरी चीज़ है क्या है कि ये महिलाओं के लिए है। महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखा गया है इस योजना के माध्यम से, और महिलाओं में भी शहरी क्षेत्र की महिलाओं को रखा गया है। ये जानने वाली बात है, याद रखने की ज़रूरी है कि शहरी क्षेत्र की महिलाओं पर केंद्रित योजना है। इसमें ग्रामीण प्रवेश की जो महिलाएं हैं उन पर इस योजना को, उन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए है जीवन शक्ति मिशन, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस मिशन के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत, जैसा आप जानते हैं कि कोविड-19 के इस संक्रमण के दौर में लगभग प्रत्येक प्रदेश हमारा जो है बुरी तरह से प्रभावित है। मध्य प्रदेश राज्य विशेष की बात करें तो इंदौर जो है बहुत ज़्यादा, यदि देखें तो रेड जोन के अंतर्गत है, और बहुत ज़्यादा प्रतिदिन वहाँ पे 1 से 2 नए केस इंदौर में देखने को अभी तक मिल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश भी कोविड-19 से प्रभावित है। इसी को देखते हुए इस बीमारी से, इस संक्रमण से निपटने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हैं। और इसी दौरान आपने देखा भी होगा कि मास्क और सैनिटाइज़र की उपलब्धता के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने प्रयास किया, और अभी तक अभी भी कुछ राज्य सरकारें हैं जहां पर मास्क और सैनिटाइज़र की आपूर्ति उस मात्रा में नहीं हो पाई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सोचा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया क्या किया कि मास्क के लिए प्रत्येक महिला जो शहरी क्षेत्र में निवास करती है एक नंबर दिया इन्होंने। इस नंबर के माध्यम से, इस वेबसाइट के माध्यम से वो महिला अपने आप को पंजीकृत कर सकती है जीवन शक्ति मिशन के अंतर्गत। और इस मिशन में है कि प्रत्येक महिला को पहली बार 200 मास्क बनाने का ऑर्डर दिया जाएगा। मतलब जो भी महिला इस मिशन के अंतर्गत पंजीकरण कराएगी उसको पहली बार में 200 मास्क का ऑर्डर मिलेगा, और यह जो मास्क का ऑर्डर मिलेगा यह जिला प्रशासन द्वारा उस महिला को दिया जाएगा। और इसकी जो खरीददारी होगी, मास्क बनाने के बाद समस्या आती है कि मास्क बनाएगी महिला तो बेचेगी कहां पर उसको, तो इसकी खरीदारी जो जिला प्रशासन है इसके संबंधित अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जिला प्रशासन द्वारा, और वो ग्राम स्तर पर आप इन मास्क की जो है आपकी खरीदारी जिला प्रशासन द्वारा कराई जाएगी। तो क्या किया गया है, 200 मास्क, और राज्य सरकार ने इसके लिए निर्धारित किया है कि ₹11, मतलब ₹11 प्रति मास्क की दर से मध्य प्रदेश राज्य सरकार शहरी क्षेत्र की महिलाओं से मास्क की खरीदारी सुनिश्चित करेगी। इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ये पूरा कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया है। इस पे पंजीकरण की बात आती है, तो यदि कोई शहरी क्षेत्र की महिला है और इस योजना से जुड़ना चाहती है, इस योजना में अपना पंजीकरण कराना चाहती है, तो उसके लिए एक नंबर है, ये है 07552700800। ये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया नंबर है। इस नंबर के माध्यम से कोई भी शहरी क्षेत्र की महिला जीवन शक्ति मिशन के अंतर्गत पंजीकरण करा सकती है और इस योजना का लाभ ले सकती है। आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में सभी, हर किसी की, जो हमारा देखा जाए असंगठित क्षेत्र जो हमारा था वह बुरी तरह से प्रभावित है, क्योंकि उसका जो जीविका का साधन था, लोग फैक्ट्रियों में कार्य करते थे और कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, अवसंरचना विकास की परियोजनाओं में कार्य करते थे, और एक प्रकार से एकाएक कोविड-19 के इस दौर में उनका रोजगार जो है छिन गया है। तो ऐसे में जो महिलाएँ हैं, महिलाओं को एक प्रकार से वित्त मुहैया कराने के लिए, महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन योजना है। लेकिन इसमें अगर कमियों की बात किया जाए, इस योजना में कमी कहां पे रह गई, तो यदि इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी जोड़ा जाता, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य विशेष जो है जनजातीय बाहुल्य इलाका है यदि देखा जाए तो, और ऐसे में क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो असंगठित मजदूर आते हैं वो ग्रामीण से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। वर्तमान समय में किसान भी हमारा लॉकडाउन के चलते प्रभावित है, क्योंकि जो उसके उत्पाद हैं उसको बाजार तक
पहुंचाने के लिए जो परिवहन सेवा है वह उपलब्ध नहीं हो पा रही है। विभिन्न राज्य सरकारें, यहां तक कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अभी तक उस स्तर पर ग्रामीणों के जो उत्पाद हैं उसको खरीदने के लिए, जैसे फसल जो होता है, अनाज जो है, उसकी खरीदारी के लिए अभी तक विधिवत रूप से कार्रवाई जो है प्रारंभ नहीं किया है, खरीदारी प्रारंभ नहीं किया है, जिससे किसान भी बुरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में यदि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं तक इस योजना का विस्तार किया जाता या इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी योजनाओं का विस्तार ग्रामीण महिलाओं तक किया जा सकता है, जो सामान, जो भी हम अपना उपकरण या सामान जो भी हम अन्य कंपनियों से लेते हैं, यदि हम उसी को हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देकर, जैसे आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा एक अनुपात निश्चित कर दिया गया है कि कोई भी सरकारी कार्यालय होगा तो उसको अपना एक लिमिट में, एक निश्चित अनुपात में जो सामानों की खरीदारी होगी वो खादी से करनी पड़ेगी, उसी तरह से यदि राज्य सरकार विशेष कर देती कि इतना जो आपका उत्पाद है या कुछ परसेंटेज में चीज़ें आपको ये ग्रामीण परिवेश से खरीदनी पड़ेंगी, हथकरघा उद्योग जो हमारे हैं उनको बढ़ाने के लिए वहाँ से खरीदनी पड़ेगी, और इससे ग्रामीण क्षेत्रों को यदि बल दिया जाता, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता तो निश्चित रूप से एक बेहतर कदम होता। लेकिन फिलहाल यदि शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी प्रारंभ किया गया है तो हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए इस योजना का, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण का भी जो केंद्र सरकार का, विभिन्न राज्य सरकारों का जो प्रयास है महिला सशक्तिकरण, महिला को आत्मनिर्भर बनाने का, उस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक छोटी सी मुहिम के माध्यम से मास्क बनाने के जो है प्रोत्साहन देकर प्रारंभ किया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस योजना का जो है विस्तार ग्रामीण क्षेत्र तक करने की आवश्यकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, क्योंकि जो हमारी COVID-19 से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित आबादी है वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, और ये मजदूर जो है ग्रामीण परिवेश से आते हैं, इसलिए सरकार को ग्रामीण परिवेश पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस योजना के बारे में समग्र रूप से PT में आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में तो नहीं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है? सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि ये जो योजना है महिलाओं के लिए है, लेकिन शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए है, इस पर आपको ध्यान देना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि सरकार द्वारा मिनिमम 200 मास्क की खरीदारी, कम से कम यदि कोई भी महिला इससे जुड़ना चाहती है तो कम से कम उसको 200 मास्क पहली बार में बनाने होंगे, तभी राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो उसकी खरीद करेंगे, और एक मास्क का जो मूल्य तय किया गया है वो 11 रुपये तय किया गया है। तो 3 से 4 फैक्ट हैं, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि कथन वाइज आता है जिससे आपकी कमियाँ ना रह जाएँ। तो इस कार्यक्रम में जैसे अब हम बात कर रहे हैं तो इस तरह से आपको डेली प्रतिदिन 1 से 2 कार्यक्रम मिलेंगे, जो हमारे फैक्ट, यदि राज्य विशेष से संबंधित कोई योजना है, राज्य विशेष में कोई घटनाक्रम हुआ है तो उससे संबंधित होगा, राष्ट्रीय घटनाक्रम कोई होगा तो उससे भी संदर्भित जो भी तथ्य होंगे वो आपको इसी कार्यक्रम के माध्यम से अब निरंतर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आज इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत किया है जीवन शक्ति मिशन से, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है मध्य प्रदेश राज्य विशेष पर केंद्रित है, मध्य प्रदेश राज्य विशेष पर हमारा फोकस है, तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम मध्य प्रदेश की योजना से किए हैं, और यह कार्यक्रम निरंतर ही ऐसे चलता रहेगा यदि आपका भी सहयोग हमें इसी प्रकार से मिलता रहेगा। धन्यवाद।